अच्छा, हनी भाई ने भी आपको प्रेज किया था ना पार्टी में, सिंगस्टा की? सिंगस्टा की क्या बात हुई? सिंगस्टा का बर्थडे था तो हम गए हुए थे, तो हनी पाजी आए। किंग भाई ने अपने नए पॉडकास्ट में जो कि राजवंश के साथ आया है भाई का, तो उसमें हनी सिंह के बारे में बात करी है भाई ने, तो वीडियो देख लो आप। अच्छा, हनी भाई ने भी आपको प्रेज किया था ना पार्टी में, सिंगस्टा की? क्या बात हुई? सिंगस्टा का बर्थडे था तो हम गए हुए थे, तो हनी पाजी आए, तो हम सबके हाथों में ग्लास थे। तो जैसे हनी पाजी आए तो बाकी लड़कों ने अपने ग्लास उठा लिए। भाई मैं देसी लौंडा हूँ, मैंने ग्लास नीचे रख दिया अपना। एक तो सीट से खड़े हो जाओ कोई बड़ा आ रहा, तो ठीक है, और जो भी हाथ में अच्छी बुरी चीज़ है साइड कर दो पहले, ताकि आप अच्छे से वेलकम कर सको। वो आए, उन्होंने हाथ मिलाया, मैं मिला उनसे, उसके बाद फिर हम बैठे, पार्टी वार्टी शुरू हुई, सब चीज़ें आई। मैं उनके पास गया, कान के पास, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने भैया एक बात बताओ। कहते क्या? मैंने भैया ये जिंगल बेल की बेस लाइन किसने बनाई है? तो उन्होंने मेरी तरफ यूँ लुक दी कि मतलब कुछ भी पूछ सकता था, ये क्या पूछ रहा है मुझसे। उन्होंने बोला भाई सिंगस्टा ने बनाई। मैंने कहा भैया बहुत तगड़ी बेस लाइन है। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि किंग आई नो यू, आई वाज स्टॉकिंग यू अभी कुछ दिन पहले, स्टॉक कर रहा था। मैंने कहा भाई मतलब यार मेरे लिए ना भाई हर एक दिन अचीवमेंट की तरह मैं देखता हूँ यार, इतने बड़े बड़े यू नो शून्य भाई वहां से ना हर एक चीज, मतलब ना मैं बहुत अचीवमेंट की तरह देखता हूँ। ऐसे नहीं है कि 100 हो गया तो आज मैं उन 99 को भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। मेरे लिए हर वो चीज बहुत जरूरी है, तो उनका ये बोल देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कहीं ठीक है, चलो छोड़ो ये वाली बात नहीं करते, ठीक है, मतलब प्रेज किया। हाँ,